फिर स्वागत करता हूँ आपका कोठारी ब्लॉग्स में। जैसे ही कल हमारा विचार था हम बाला सिटी जाने का, लेकिन अचानक से चेंजमेंट हो गया। हम आ पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र, एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस। वहाँ हमारा अचानक प्रोग्राम बना और 1.5-2 घंटे की ड्राइव के बाद हम यहाँ आ पहुँचे। यहाँ पर सुंदर देखिए सरोवर, कितना एक साफ सुंदर सरोवर दिखलाई दे रहा है आपको। ये देखिए कितना बड़ा सरोवर। आज गर्मी भी काफ़ी हो रही है, लोग इसमें आनंद ले रहे हैं। और ये बीच में देखिए मंदिर, मंदिर भक्त लोग बैठे हैं अंदर मंदिर में दर्शन के लिए। और ये पूरा बहुत अच्छा व्यू, और ये ऊंची से आपको दिख रहा है एक नया मंदिर है जिसका निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। और ये कुरुक्षेत्र का बहुत ही ऐतिहासिक सरोवर है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र के अगले पड़ाव पर। इस जगह की बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू है, क्योंकि जो है सामने आप ये मूर्ति देख रहे हैं विष्णु जी की, यहाँ पर बताया जाता है कि उस तरफ पांडव की सेना थी और इधर कौरव की सेना, दोनों आमने सामने थी। और इस जगह पे ये सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। जिस जगह हम खड़े हैं बिल्कुल इसी जगह श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। ये देखिए उनका थोड़ा सा बता भी रखा है यहाँ पे कि किस प्रकार उन्होंने इसी जगह पे, सेंट्रल पॉइंट है बिल्कुल, दोनों सेनाएं पांडव इस तरफ और कौरव की सेना इस तरफ, श्री कृष्ण जी अपने रथ में। ये देखिए एक रथ की प्रतिमा बना रखी है उनके, और इस जगह उन्होंने गीता का उपदेश दिया। इसी जगह श्री कृष्ण जी ने अपने बैठ कर गीता का उपदेश किया था। बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। बताइए राजा, इसमें तो जो सबसे पहले यहाँ पे जो सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ विष्णु की नाभि से यहाँ पे। अच्छा, तो जब सृष्टि की रचना आरंभ करनी थी ना, भगवान विष्णु जी ने अपनी नाभि से इनको प्रकट किया। तो जो प्रथम यज्ञ किया, जो नहीं कोई बैठे 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 जो प्रथम यज्ञ हुआ अपने पूरे संसार के अंदर, जो हम धर्म के कार्य करते हैं यहाँ, उसका सर्वप्रथम यहाँ ब्रह्मा जी ने यहाँ पे पहला प्रथम यज्ञ किया। फिर 10,000 साल तपस्या की यहाँ पे, इस भूमि को अपने तपोबल से इतना श्रेष्ठ बनाया उन्होंने कि कालांतर में आने वाले समय में बड़े से बड़े तपस्वी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा पृथ्वी रहेगी तब तक, प्राचीन काल में भी इतिहास में भी शास्त्रों में भी और आने वाले भविष्य में भी जो मुनिजन है योगीजन है वो अपनी तपस्या का तपोबल का 10वां यानी 10वां हिस्सा इस भूमि को देते रहेंगे, ये वरदान दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना यहाँ विराट रूप दिखाया, गीता का संदेश दिया। गीता का जन्म उनके एक ऐसे भगवान विष्णु रूप में कृष्ण हुए जिन्होंने अपने ही मुख से गीता का संवाद किया अपने मुख से। और ये कहा था कि हे अर्जुन, भविष्य में आज के बाद ना तो इस रूप को कोई देख सकेगा जो तुमने आज देखा है, आज देख लिया इसके बाद ना इसके अंत ना कोई पैदा होगा ऐसा जो तुमने देखा। इससे पहले सिर्फ सूर्यनारायण भगवान जी ने इनके रूप को, कौन सा वाला रूप दिखाया था पंडित जी? विराट रूप दिखाया था। तो यहाँ पे उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी यहाँ आके धर्म कर्म करेगा, स्नान करेगा, परमात्मा का नाम ले, जैसे आदमी के अंदर धन कमाने की होड़ है ना, पैसा इकट्ठा कर लो, वो कहता है पैसे तो तुम कर लो, वो क्षणिक सुख दे देगा, लेकिन जो मेरे नाम का सुख है ना, जो तुम्हारे इस जन्म में भी तुम्हारी काया के साथ भी और काया के बाद भी चलेगा, वो मेरे नाम का सुख है। सही बात है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने से खुद भीष्म पितामह ने, जो हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना 1,000 नाम, उसका जन्म भी भीष्म की शैया पे हुआ, जहाँ भीष्म पितामह ने शरीर को छोड़ा, उसका जन्म भी कुरुक्षेत्र भूमि में नरकातारी कुंड है वो। उसके पश्चात क्या हुआ भैया जी, कि जब कौरव और पांडव मार गए, पांडवों के
वंश के जो पांच बच्चे थे जो पांडवों के रूम में सुधामन ने मारे थे, तो दुर्योधन भी रो पड़ा था कि तूने तो मेरे कुल का भी नाश कर दिया, आने वाले जो बच्चे थे तो मेरे वंश के ही। तब वो बोला कि सुधामन तुमने क्या कर दिया। तब वो कहता कि हाय मेरा दुर्भाग्य, दुर्योधन दुर मैंने दूषित, और योधन मैंने जो दूषित धन कमाया जाए, जो धन आए दूषित रूप से आए उसको दुर्योधन बोलते थे। उसने क्या किया, उन्होंने कहा हमें पांच गांव दे दो महाराज, हम चले जाएंगे यहाँ से। बोला सुई की नौकरी दूंगा, विनाश काले भी पूरी की बुद्धि। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद अपना माया रच के भीष्म के अंदर प्रवेश किया, उसको कहा कि भाई अब तो तेरे कुल का नाश हो गया, अब इनको अधोगति से मुक्ति तो करवा दे, तू तो बड़ा है सबका, तेरे आशय संकल्प हो जाएगा, ये तो आने वाली पीढ़ियां तेरे देश का हस्तिनापुर का तो नाम निशान मिट जाएगा, प्रेती बन के घूमेंगे जा रही है। तभी उनके धोम्य ऋषि को बुला के मिट्टी का पिंड बना के यहाँ प्रतिष्ठा करके तब उनको जल में भी लीन करा था यहाँ पे, तब वो साप से मुक्त हुए सारे। इस जगह पे लीन किया था। हाँ, और ये भूमि अच्छा, है ये जो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कुक्षेत्र भूमि का नाम जो रखा गया है, हमारे नारद पुराण में उल्लेख आता है कि जो जीव घर बैठे ये सोच ले कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, सोचने मात्र से नारायण की कृपा होनी तभी शुरू हो जाती है। दूसरी कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, वहां दान पुण्य करूंगा, स्नान करूंगा, तब उसके कुल के पितर भी उसके संग लेते हैं कि हमारा वंशज जाएगा वहां स्नान करेगा तो हम भी इसके साथ जाके स्नान करें, मुक्ति को पाए, हमारी कुछ इच्छा है। तीसरा जो कहता है कुरुक्षेत्र में जाके धर्म कर्म के साथ वहां कुछ समय वास करके मैं प्रभु का चिंतन करूंगा, तो उसकी कई पीढ़ियां जो प्रेत योनि में पड़ी हैं, अधोगति में पड़ी हैं, मुक्ति नहीं हुई, उनको तत्काल भगवान मोक्ष की प्राप्ति का ध्याय दे देते हैं। राजा कुरु है जिनके नाम से कुरुक्षेत्र है, पांडवों की 15 पीढ़ी के पूर्वज थे, उनके 15 पीढ़ी के बाद पांडव आए थे, धृतराष्ट्र आए थे। राजा कुरु को शाप था कि दिन में जीवित रात में मृत अवस्था में चले जाते थे। तो एक बार वो शिकार करने यहाँ आए, हिरण का शिकार करने लगे तो हिरण को ना लग के बाण वो मिट्टी में धस गया था। तब उन्होंने बाण को ऐसे साफ किया, करते ना जैसे, तो रात्रि में क्या वो मृत अवस्था में हो जाते थे, तो उनकी रानी ने देखा कि उनका ये जागृत था। आप यहाँ से एंटर करोगे ना इस मेन गेट से, तो उनकी छाया चित्र बना हुआ है अभी भी। अच्छा, उसमें दिखा रहा है कि उनका रानी बैठी है पास, वो अंगूठा हिल रहा था। तो रानी ने पूछा था भी कल आप कहाँ थे, तो उन्होंने बोला शिकार करने के लिए मैं फलाना नाम की भूमि में गया। बोला वहां जाओ और उस मिट्टी से स्नान करो, सांप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि अभी तो तुम्हारा अंगूठे ने स्पर्श किया उस मिट्टी को, सारे शरीर से नहाओगे तो सांप मुक्त हो जाओगे। राजा कुरु ने आके यहाँ पे स्नान किया, मिट्टी से जल से स्नान किया जैसे आपने किया, तो राजा कुरु उसी क्षण उसी पाप से उस सांप से मुक्त हुए। और उन्होंने ये कहा कि आने वाले भविष्य में अगर कोई जीव इस जन्म के पिछले जन्म के कई पापों से ग्रस्त है, जिसको कोई शाप लगा हुआ, शाप कैसे भैया, स्त्री शाप, पुत्र शाप, पिता का शाप, माता का ऋण कोई नहीं दे सकता, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण, पांच ऋण से जीव आता जब गर्भ से बाहर आता था, तो यहाँ माँ के ऋण को छोड़ के इस बाकी चार ऋणों से मुक्ति होती है यहाँ। राजा कुरु ने यम का तो लिया था भैंसा, और नंदी जी लिए थे शिव का नंदी, लेके सोने के हल से इस तालाब की खुदाई करवा के इस जल को भर के जन कल्याण के मानस के लिए समाज को अर्पित कर दिया था। तब से इस भूमि में प्रथा है कि यहाँ पे लिया हुआ नाम, दिया हुआ दान, किया हुआ स्नान अनंत कोटि तक कभी कम नहीं होता। बोलो श्री वृंदावन माँ के बिहारी, तो सच्चाई तो ये है भैया। पानी कहाँ से आता है? पानी आता है ये हमारे हिमाचल उत्तराखंड और जड़ी बूटियों का पानी है। ये मेरी सेवा है, कोई बात नहीं। ज्योतिष का पूरा इतिहास बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ वर्णन करके लिखा गया है, इसमें पूरा आपको ज्ञान होगा इसको पढ़ कर कि कब कब किस किस तरीके से जगेगी, क्या क्या हुआ है उसके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन है।